दोस्तों, जब भी बात आती है अमीर देशों की तो हमारे दिमाग में कई बड़े बड़े देशों के नाम आते हैं, लेकिन इन बड़े और अमीर देशों के बीच एक छोटा सा देश ऐसा भी है जो न केवल खूबसूरत है बल्कि यहाँ के लोग और स्पेशली यहाँ की लड़कियाँ उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। दोस्तों, देश जितने अमीर और खूबसूरत होते हैं वहाँ के लोग उतने ही खुले विचारों के भी होते हैं, जिसकी वजह से उस देश में रहने वाले लोग कुछ ऐसे अजीबोगरीब तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं जिनको जानने के बाद किसी के भी होश उड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही देश नीदरलैंड की सिर्फ उन बातों को बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान और परेशान कर सकती हैं। दोस्तों, नीदरलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां आपको हर एक चीज में कामुकता यानी कि एडल्ट थिंग्स देखने को मिल जाएंगे। यहां आपको एडल्ट टीवी शोज, एडल्ट कार्टून्स, एडल्ट आइसक्रीम, एडल्ट केक, एडल्ट फूड और यहां तक कि आपको एडल्ट म्यूजियम भी देखने को मिल जाएंगे। यहां एक से बढ़कर एक अश्लील स्टैचूज बने हुए हैं जिनको देखकर कोई भी शर्म के मारे लाल हो सकता है। और दोस्तों, कुछ स्टैचू तो इस म्यूजियम में ऐसे भी हैं जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। अब नीदरलैंड है तो कुछ भी पॉसिबल है। दोस्तों, अब हम आपको नीदरलैंड की जेल में रहने वाले कैदियों की ऐश भरी लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं। शायद आप जानते होंगे, नीदरलैंड देश दुनिया की सबसे सुरक्षित कंट्रीज में से एक माना जाता है। यहाँ आपको आधी रात भी लड़कियाँ सड़कों पर अकेली घूमती दिखाई दे जाएंगी। यहाँ क्राइम ना के बराबर है जिसकी वजह से वहाँ पे जेल भी बहुत कम है, लेकिन जितनी भी जेल है वहाँ बंद कैदियों की एक तरह से खातिरदारी ही की जाती है, क्योंकि नीदरलैंड की जेलों में बंद कैदियों को हर दिन अलग अलग बेहतरीन खाना दिया जाता है। वहाँ कैदियों को टीवी की सुविधा भी दी जाती है और कैदी बोर न हो इसके लिए वहाँ की जेलों में वाईफाई कनेक्शन भी लगाए गए हैं। और तो और, वहाँ की जेलों में कैदियों की रात रंगीन करने के लिए खूबसूरत लड़कियों की व्यवस्था भी की जाती है। अब आप सोचिए, ये जेल है या अय्याशी का अड्डा? अरे भाई, ऐसी जेलों में आखिर कौन नहीं जाना चाहेगा। हालांकि ये कैदियों के गुनाह पर डिपेंड करता है, अगर कैदी ने कोई संगीन जुर्म नहीं किया है तो ही ये वीआईपी सुविधाएं दी जाती हैं। दोस्तों, अगर जेल का ये सिस्टम भारत में भी शुरू कर दिया गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों, नीदरलैंड में इतने इंसान नहीं हैं जितनी वहाँ पर साइकिल्स हैं, और यहाँ ज्यादातर लोग कार या बाइक से नहीं बल्कि अपनी साइकिल से ट्रेवल करते हैं। लोग ऑफिस भी साइकिल से ही जाते हैं। यही कारण है जिस वजह से ये देश दुनिया के सबसे कम पोल्यूशन वाले देशों के साथ दुनिया की सबसे साफ सुथरी कंट्रीज में गिना जाता है। दोस्तों, इस देश में कुछ चीजें बिल्कुल उल्टी भी होती हैं। जी हाँ, यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम यूं तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपने देश का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया खोल रखा है जो कि पूरी तरह ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहाँ दिन में कुछ और कहानी होती है और रात में कुछ और। यहाँ 6000 से ज्यादा लड़कियाँ वेश्यावृत्ति का काम करती हैं, और हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से 90% महिलाओं की एज 18 से 21 साल होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी नौजवान लड़कियाँ नीदरलैंड की राजधानी में इस काम को करती होंगी। और यहाँ काम करती इन जवान लड़कियों से जुड़ा एक रियल फैक्ट ये भी है कि जो महिलाएं यहाँ काम करती हैं वो यहाँ से तभी रिटायरमेंट लेती हैं जब वो 40 साल से ऊपर की हो जाती हैं, और इतनी उम्र होने के बाद वो अपनी लाइफ में 1,00,000 से ज्यादा ग्राहकों की प्यास बुझा चुकी होती हैं। दोस्तों, नीदरलैंड में आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर रेड लाइट एरियाज देखने को मिल जाएंगे। इन रेड लाइट एरियाज की वजह से ये देश वेश्यावृत्ति के मामले में आज दुनिया के टॉप 10 देशों में गिना जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे इस देश का एक ऐसा अजीबोगरीब रूल जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। इस रूल की वजह से वहाँ के नौजवानों को सबसे खुले विचारों का माना जाता है। यहाँ के ज्यादातर लड़के और लड़कियाँ जैसे ही 18 साल कम्प्लीट कर लेते हैं तो वो अपने घर से अलग रहना पसंद करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड आजकल हर देश में जोर पकड़े वे है, इस मॉडर्न रूल को नीदरलैंड के लोग पिछले 60 सालों से फॉलो कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर एक और रूल है जिसको सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, वो है सेम सेक्स मैरिज। यहाँ पर लड़कियाँ लड़कियों से और लड़के लड़कों से शादी कर सकते हैं। आपको बता दें, दुनिया की सबसे पहली सेम सेक्स मैरिज भी 2001
तारीख में यहीं पर हुई थी। और 2010 से पहले नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश था जहां इस तरह के रिलेशनशिप सबसे ज्यादा थे। वैसे अब तो यहां मामला थोड़ा ठीक हो चुका है, मतलब कि ऐसा अब यहां ओपनली होता रहता है। दोस्तों, नीदरलैंड दुनिया के ज्यादातर देशों में सबसे ज्यादा बियर को एक्सपोर्ट करने के मामले में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर आता है। नीदरलैंड अन्य देशों को न सिर्फ बियर बल्कि वेजिटेबल्स भी एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, ये सब वे चीजें हैं जिनकी वजह से नीदरलैंड आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। दोस्तों, इस अमीर देश में रहने वाले लोगों की सोच भी काफी अमीर है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों के घरों में जब भी कोई मेहमान आता है तो वो उनका वेलकम हाथ मिलाकर या गले मिलकर नहीं करते, बल्कि वहाँ तो मेहमानों का वेलकम गालों पर किस करके किया जाता है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनने के बाद शायद आपको यकीन ना हो। जी हाँ दोस्तों, नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ की महिलाएं 30% से ज्यादा बच्चों को अपने घरों में ही जन्म देती हैं। दरअसल वहाँ एक ऐसा समुदाय है जो अपने घरों में ही बच्चों की डिलीवरी करता है, और इस समुदाय में कई चिकित्सक प्रणाली के लोग होते हैं जिनके द्वारा घर में ही डिलीवरी कर दी जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ के लोगों के फिट रहने का सबसे बड़ा राज बताता हूँ। नीदरलैंड के लोगों को दुनिया के सबसे फिट पीपल्स में से माना जाता है, जो बहुत ही अलग तरह का खाना खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग आटे और चावल जैसी चीजों को बिल्कुल ही कम खाते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग सुबह ब्रेकफास्ट में सेब की सब्जी, ओल्ड मीट, चीज, केक और भर भर के चॉकलेट्स को खाना बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा दिन में यहाँ के लोग ज्यादातर खाना खाना पसंद नहीं करते, और फिर रात को यहाँ के लोग खाने में मीट, वेजिटेबल्स, मैश किए हुए केले या फिर सूप ही पीते हैं। ये सब खाने के बाद ही यहाँ के लोग और स्पेशल यहाँ की लड़कियाँ इतनी फिट और खूबसूरत दिखाई देती हैं। दोस्तों, ये देश दुनिया के उन देशों में से एक है जिसका लगभग एक तिहाई हिस्सा समुद्री तल से 6.7 मीटर यानी कि 22 फीट नीचे है, जिसकी जैसे इस देश ने अपने समुद्री किनारों पर लंबी लंबी दीवारें बना रखी हैं, जिससे समुद्र का पानी देश के अंदर ना आ पाए। अगर गलती से भी पानी देश के अंदर आ गया तो पलक झपकते ही आधे से ज्यादा नीदरलैंड समुद्र में डूब जाएगा। दोस्तों, आपने कभी ना कभी हॉलैंड देश का नाम तो सुना होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हॉलैंड और नीदरलैंड दोनों एक ही देश है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल नीदरलैंड 12 प्रांतों से मिलकर बनाया गया है, जिसमें से 2 प्रांत इस देश को हॉलैंड कहते हैं और 10 प्रांत नीदरलैंड, जिसकी वजह से इस देश को कुछ लोग हॉलैंड तो कुछ लोग नीदरलैंड कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका ऑफिशियल नाम तो नीदरलैंड ही है। तो दोस्तों, आपको नीदरलैंड की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।